हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुवेव के ऊपर। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप पर सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को आप सबसे मतलब लास्ट तक देखें। दूसरी बात है ना, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उन पे ध्यान दें, नोट्स बनाएं। दूसरी बात, यह जो आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जो सब्सक्राइब का साइन आपके पास में है ना, उसको प्रेस कर लें। इसके पास में जो बेल आइकन बनी हुई है ना, उसको भी क्या कर ले, प्रेस कर ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आप इसको ऐसा करते हो तो ये सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन प्रेस करने के बाद, जो भी हमारे वीडियो होंगे ना, वो आपको मतलब आपके मैसेज आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरुआत करते हैं। हमने बात कर ली पिछली क्लास में टेंस की, है ना, और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने बात की कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, है ना। कुछ सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको भी हम प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। लेकिन अब बोर्ड क्लासेस में या कोई लोकल क्लासेस होती है उनके अंदर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वैसे कैसे एडवर्ब से रिलेटेड, है ना, ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहने का मतलब स्टेप सेकंड बोलते हैं इसको हम, क्या बोलेंगे, स्टेप सेकंड, है ना। स्टेप सेकंड में क्या है कि यहाँ पर एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेप सेकंड के अंदर हमें इनको बोलेंगे कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं और इनको हम एडवर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बात करें, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने अभी तक एडवर्ब बोला है ना, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, ठीक है ना, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन सी हो सकती है। देखिए ऑलवेज इसी टेंस की वो है एडवर्ब है या कीवर्ड्स, है ना, और यूजुअली, है ना, ऑफन ऑफन हो गई ना, सेल्डम, ठीक है ना, नेवर, ओकेजनली, ठीक है ना, डेली, समटाइम्स, समटाइम, ठीक है ना, इसके अलावा ऑन संडे, मंडे, है ना, इटीसी। इसके बाद इन द इवनिंग, है ना, मॉर्निंग, इटीसी। इसके बाद हम बात करें आगे, वंस ए डे, ए वीक, है ना, ऐसा कुछ आए तो। इसके बाद ट्वाइस ए डे, वी, है ना, इटीसी, ऐसा कुछ आए तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा। इसके बाद हम बात करें यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, डेली, है ना, समटाइम, ऑन संडे, ऑन मंडे, या कोई भी, है ना, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन कोई भी कार्य यदि आपको नजर आता है कोई भी सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। इस चीज का हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और भी जैसे मान लो बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये भी आती है इसके अंदर, बेयरली, स्केर्सली, ठीक है ना, ये भी आती है, तो हमें इनको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कुछ एडवर्ब्स थी। इन एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए हमें टेंस को सोल्व करेंगे हम। पहली बात तो ये है, ठीक है, इटीसी ये हमें उतारनी है, ठीक है ना, एडवर्ब्स के रूप में। अब इनको यदि हम याद रखेंगे तो हम जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या, है ना, आप इसको लिख लो पॉज करके वीडियो को। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार बताता हूँ, कीवर्ड्स हैं ऑलवेज हो गया ना, यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली हो गया, डेली हो गया, ठीक है, समटाइम्स, ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है ना, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, वंस ए डे, वीक, ट्वाइस ए डे, है ना, हैबिचुअल एक्शन हो गई, बेयरली, स्केयरली, ईटीसी, ये सारी एडवर्ब्स है। ये यदि आपको टेंस में नजर आती है, किसी सेंटेंस में नजर आती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो यहां पर इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपके सामने लिखूं एग्जांपल। पहला, राम इज ऑलवेज कम्स
राम इज ऑलवेज कमिंग लेट। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर नॉट, दे आर नॉट बाइंग कार एवरी ईयर। अब देखो, बाइंग ए कार एवरी ईयर, अब सुनो ध्यान से। यहां पर हमें पता चला कि एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, यहां ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है। इस ये ऐसा सेंटेंस यदि आपको एग्जाम में नजर आता है ना, एग्जाम में यदि आपको ऐसा सेंटेंस नजर आता है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एडवर्ब या जो भी कीवर्ड्स है वो फाइंड करेंगे। देखिए हाँ, स्टेप इसका एक स्टेप ये है कि कोई भी, अभी बता दूंगा मैं क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले हम एडवर्ब फाइंड करेंगे, और एडवर्ब फाइंड किया हमने, क्या नजर आ रही है आपको, ऑलवेज, ठीक है ना। इसके अंदर हमने देखा एवरी ईयर, क्या एवरी ईयर, ठीक है ना, कौन सा टेंस है, एवरी आता है ना, एवरी डे, एवरी मतलब बताया ना, डेली वगैरह, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं, जो काम डेली करते हैं ना वो आते हैं इसके। डेली साल से मतलब कोई भी काम रिपीट करते हैं, जैसे मान लो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम एक रोजाना करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 7 दिन से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महीने से होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो सालों से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है ना, बार बार बताने के लिए। इसके बाद हम बात करें ऑफिशियली जिसको हम बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें ऑलवेज नजर आया, क्या नजर आया, ऑलवेज नजर आया, तो हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज और मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था है ना, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना टेंस, तब फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, यहां पर इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज तो इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इज के साथ आईएनजी आता है, इज नहीं आएगा तो आईएनजी भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, देखिए इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, जरूरत पड़ गई तो एसआईएस, अदरवाइज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि यदि सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एसआईएस और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां हमें पता चला कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, है ना, ऑलरेडी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कम, कम यहाँ मेन वर्ब है। अब मुझे बताइए एसआईएस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो, राम यहाँ सिंगुलर है, तो इस कम के साथ हम क्या कर देंगे, एसआईएस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको नजर आती है, तो सेंटेंस को करने का तरीका ये होगा, है ना, सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो। अब बात करें आगे, यहां बात करें दे आर नॉट बाइंग कार एवरी ईयर, यहां ये देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली मतलब सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, लेकिन हमने देखा यहां आर नजर आ रहा है, यहां बाई के साथ आईएनजी नजर आ रहा है, इट मींस ये कंटीन्यूअस बता रहा है, ये तो इसका मतलब ये भी यूज नहीं होगा यहां, ये भी यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंटीन्यूअस में आर लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो बताइए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर नॉट लिखना होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अब बताइए आगे क्या होगा इसके अंदर, अब हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है दे, है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या मतलब डज, तो यहां पर हमें नजर आया कि दे प्लूरल है, तो यहां डू आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नॉट नेगेटिव सेंस है, तो बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी यू आई बाय, है ना, तो दे डू नॉट बाय कार एवरी ईयर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेंगे जो पूछे जाते हैं, देख लिया कर दो साहब, इसको समझ लो, एक बार आप दोबारा से देख लेना वीडियो को ना, आगे एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए दो और देखते हैं इसके बाद। देखो मोहन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा मोहन नॉट कम डेली एट होम,
पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, दे वर दे गो डेली। बताइए, दो एग्जाम्पल आपके सामने है ना। मोहन खालिस्तान नॉट कम डेली एट होम, इसके बाद ये किया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, सी ऑफन सी ऑफन, ठीक है ना। ब्लैंक प्लेस दे रखा है यहाँ, यहाँ फूड है, यहाँ माइन वर्ब कुक है। तो बताइए क्या होगा इसके अंदर, ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ ब्लैंक प्लेस है, यहाँ फिर सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं सी सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर ये एडवर्ब नजर आ रही है, यहाँ ये फूड ऑब्जेक्ट है और कुक यहाँ मैन वर्ब है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंक डाल लेता हूँ मैं एक बार। देखो अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है, अब देखो क्या क्या मतलब इसको सोल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, शॉर्ट ट्रिक ट्रिक ये है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एडवर्ब देखना है कि कौन से टेंस की है, कौन से टेंस की है। इसके बाद देखना है वो सेंटेंस कैसा है, वो सेंटेंस कैसा है। सबसे पहले देखा एडवर्ब, फिर देखनी है सेंटेंस कैसा है। अब उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है ना, हम उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी सिंपल है तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हमने देखा मोहन, एडवर्ब देखो इसके अंदर, एडवर्ब डेली, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है ना, नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और थर्ड प्लेस पे नॉट, डज नॉट कम। बताओ कोई दिक्कत हो तो, है ना, ये चीज हमें यहाँ करनी है, कर लोगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब हेल्पिंग वर्ब दे के लिए क्या आएगी, डू, मैन वर्ब क्या है, इसमें नहीं दे रखा है, गो है ना, तो यहाँ क्या जाएगा, गो। इसके बाद हम बात करें शी ऑफन कुक्स फूड, क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर है, ओपन प्रेजेंट डेफिनेट के एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हमने एडवर्ब से रिलेटेड किए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसका यूज और कहाँ होता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। देखो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसकी है वो है इसके यूजेज और कहाँ होते हैं ना, इसके यूजेज कहाँ होते हैं वो चीज हम लेके चलेंगे, ठीक है। देखो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अब देखो आगे और यूजेज, स्टेप नंबर सेकंड की हम बात करें, थर्ड की सॉरी, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ना, तो मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए है ना, हैबिचुअल एक्शन को मेंशन करने के लिए है ना, हैबिचुअल एक्शन को मेंशन करने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट होता है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स को मेंशन करने के लिए। इसके बाद हम बात करें फिलोसोफिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल है ना, पी एस एच वाई साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं या फिलोसॉफिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, पूर्वज को बताने के लिए है ना। इसके बाद हम बात करें आगे कुछ सेइंग्स से, उनको बताने के लिए
है ना। और इसके बाद हम बात करें मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं कुछ, इनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो देखो बात करें आगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट है ना, और हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट, साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया कोई, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें प्रूवर्स बताने के लिए, और कोई कहावत होती है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक कहावत है स्लो एंड स्टडी, तो रेस को हम जीत जाते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेटिव होगा ना, ये सिंगुलर है, एक ही मतलब सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ एसईआईएस का यूज हम करेंगे। इसके बाद हम बात करें है ना, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्यों, वाटर सिंगुलर है तो मैं वर्ब के साथ एसईएस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, वाटर खालिस्तान बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसके बाद हम बात करें द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि वाटर खालिस्तान बॉयल मैन वर्ब है यहाँ पर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये समझ में आया कि वाटर यहाँ सिंगुलर है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब के साथ हम एस सी आई एस का यूज करते हैं। दूसरी बात, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो वाटर है ना 0 डिग्री पे ही फ्रीज होता है, ठीक है ना, और बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। सूर्य पूर्व में होता है, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है ना। तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर ही आता है। तो राइस, राइस का क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ एक्स्ट्रा यूजेस थे, ये जो मैंने आपको बताया, इनके अंदर टेंस चेंज नहीं होता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है, ठीक है दोस्तों। ये लिख लेना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है ना, और हैबिचुअल एक्शन हो गया है ना, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, प्रूवर्स हो गई है ना, और कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई है ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसके अलावा प्लान्ड एक्शन हो गया ना, प्लान्ड कोई फिक्स प्रोग्राम होता है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट डेफिनेट का यूज किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, माय फादर है ना, माय फादर खालिस्तान, ये मेन वर्ब है, रिटायर यहाँ नेक्स्ट मंथ, यानी मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर्ड होने वाले हैं। तो बताइए यहाँ पर यहाँ हमने देखा तो ये तो फ्यूचर नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ये फिक्स प्लान है, जब मतलब जब भी नौकरी के लिए सर गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब ज्वाइनिंग करते हैं ना, उसी दिन पता चल जाता है कितने साल बाद में रिटायर होगा, तो ये फिक्स होता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में होगा। तो बताइए माय फादर सिंगुलर है तो रिटायर के साथ क्या हो जाएगा, रिटायर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटायर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम मोर करेंगे पूरा टेंस होने के बाद में। तो देखिए दोस्तों इसको आपको पढ़ना है, याद करना है, समझना है, पिछले वाले वीडियो देखना है, ठीक है ना, और है ना अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।